मेरी बेटी है, ये बेटी है, अच्छी बात है। कितने साल से हो? हम इनकी माँ है। ये मेरी पहली बीवी। अच्छा, पहली बीवी। क्या नाम है आपका? शमीम बेगम। कैसे मर गई थी आप? डिलीवरी में मरे थे, हो कई साल पहले? गए 20 साल, 20 साल। 14-15 साल हो। 14-15 साल पहले आपका इंतकाल हो गया था। जी, ठीक है। वो कितना पढ़ी लिखी हैं आप? इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हैं आप? जी, पट्टी खोलो। किसी का साइन करवाए थे? कैंसिल नहीं किया तो। कर दिया आपको। ये लो, इधर पेन पकड़ो। जब जिंदा थी वो लिखती थी हिंदी में या इंग्लिश में? कैसे लिखती थी? आँख खोलो, आँख खोल के देखो। लिखो अपना नाम और अपने वालिद का नाम भी लिख देना। वालिद का नाम लिखिए। याद नहीं है वालिद का नाम? कोई बात नहीं। ये देखो, ये कौन है? ये देखो इधर इधर, ये आपके शौहर हैं। क्या नाम है इनका? सही है, आपकी बीवी की ये राइटिंग है जब जिंदा थी? ये आपकी लड़की की राइटिंग है? उन्हीं का है ना? जोर से बोले भाई, अभी हम इससे भी लिखवा लेंगे, बेटी से भी लिखवा लेंगे। तो इसको और कौन कौन परेशान कर रहा है? 6-7 लोग हैं। 6-7 हैं। वो कौन है सब? आदमी है, औरत? आदमी भी है, औरत भी है। क्या तकलीफ दे रहे हैं इसको सब? इसको अंदर से बीमार कर रहे हैं इसको। क्या बीमारी दे रहे हैं? कैंसर। कैंसर दे रहे हैं? उन सबों को कैंसर है? के घर में 2 लोग और हैं। नहीं, भूतों को कैंसर है या इस लड़की को कैंसर है? नहीं, किसी इस लड़की को होने वाला है। होने वाला है? जी, तो कौन करेगा? इसके घर वाले हैं। किसके घर वाले? पूछो, बात करो ना आप। आउट करीब आ जाओ यार। आपके बगल के हैं। कौन? बगल के। कौन? नाम नाम बड़ी नाम है बता। ना, इसकी बड़ी मम्मी। अच्छा, कहाँ कहाँ से कराती है? ये पढ़ने में करती है, कुरान में करती है। कुरान में कर। जहन्नमी, गलत इस्तेमाल करने वाले, जहन्नमी। बड़ी है। और उसके साथ एक और है। कौन है वो? कैसे करती है? वो अपने ससुर को भी कर रही है। अच्छा, 3 लोग का मोल बना रही है वो। अच्छा, उठा लो, उठा के रख दो। अच्छा, किसको बना रही है? एक तो अपनी जेठानी वाले को बनाई है, एक अपने ससुर को बनाई है। अब तीसरा जानते हो कौन है? आपकी लड़की। अच्छा, ये तीसरी हमारी लड़की है। आप कपड़ा क्या पहनी है? कपड़ा हम सलवार चंपल पहने हैं। किस रंग का? मेरी लड़की की। हमें नहीं है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। व्हाइट पहने हैं। व्हाइट क्या? कफन। कफन। इंतकाल कहाँ हुआ था? घर पे या रास्ते में या अस्पताल? अस्पताल में हुआ था। कहाँ पर? इलाहाबाद। रात में, दिन में? रात में। कई बजे? मगरिब के पहले। सवर्थ हाउस से? मैं वहाँ नहीं थे। तो बोल रहे हैं नहीं थे। नहीं, नहीं थे। कौन कौन था वहाँ पे उस समय? मेरे देवर थे, मेरी ननन थी। देवर थी, ननन थी जी, और हमारी जेठानी भी थी। फिर पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं नहीं, बच्चा हुआ? वो भी खत्म हो गया। और बात कर लो, बीबी है, इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा बातचीत करने का। आप हमें मत हटाइएगा, सुनिए। इनको छोड़ दीजिए, इनके छोड़ दीजिए। और जो है ठीक है, ठीक है, छोड़ देंगे जो कर रही हैं। अगर उनको ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखभाल करते हैं। एक करने वाली इसके ऊपर, ये कौन है? ये इसकी कौन लगती है जो कर रही है? हमारी लड़की की फूफी की लड़की है और उसकी बड़ी मम्मी है। वो करती है या करवाती है? करती है। क्या नाम है उसका? उसको बोलो बाबा जी बुला रहे हैं। चलो तुम साइड हट जाओ, बोलो उसको बुला रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों रो रही हो अब? क्या दिक्कत है? फंस गई आके ना? क्या नाम है? नाम क्या है? क्या दुश्मनी थी इस लड़की से? इसकी लड़की से दुश्मनी नहीं है। हाँ, इसके बाप से है। इसके बाप से है। इसकी माँ से क्या दुश्मनी थी? उसको भी मार दिया? इसकी माँ को हमने नहीं मारा है। कौन मारा? बस है, घरेलू है, हम नहीं बता सकते। अरे, इसकी माँ को किसने मारा डिलीवरी में, तुम बताओ? वो बस बीमारी से खत्म हुई है। बीमारी से तो नहीं खत्म हुई है, हम ये नहीं बता सकते। अच्छा चलो, हम ये उसी से पूछ लेंगे डायरेक्ट। अभी हम बुलाया तो तुम कहाँ पे थी?
हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रही थी? हमें पता है ना। क्या? ये गई है। गई है, हमें सब मालूम है। कई दिन में सीखी थी तू ये? हम बहुत पहले से कर रहे हैं ये चीज। कौन जात की हो? हम शाह कास्ट के हैं। अच्छा, कौन सिखाया था तुझे? हमें किसी ने नहीं सिखाया। कैसे सीखा? हम खुद ही इतने पढ़े लिखे हैं, हमें सिखाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बलि किसकी दिया था? बलि हमने एक मुर्गे की दी थी। लैट्रिन का दिन खाया था? लैट्रिन? हाँ 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 हाँ, इधर देख, इधर इधर आँख मिला हमसे, सच बोल। कई दिन? जल्दी, चार दिन। है? चार दिन। झूठ के यहाँ पर चल ही नहीं सकता है। पूजा किसकी किया था? पूजा उजा हम नहीं किए। किया, बिना किए तो तू सीख ही नहीं सकती है। नहीं, हम लोग भी मजहब में है ही नहीं है पूजा करना। ये तेरे मजहब में है किसी को भूत प्रेत करके उसको मौत के घाट उतार दें? हम सिर्फ कुरान में करते हैं। हम कुरान शरीफ में क्या पढ़ती है जो कि लोग परेशान हो जाते हैं? बहुत सी किताबें हम लोग में है। क्या है, क्या है किताब में? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि भूत प्रेत करो और लोगों को मौत के घाट उतारो? 12 बजे रात पढ़ना नंगी होके? नहीं, हाँ ये सब नहीं है हम लोग। हाँ फिर ये जो कर, इधर देख, इधर करने वाला, इधर देख, इधर आँख खोल के, इधर जहन्नमी, जहन्नम में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी, ये भी सुन ले। तेरे आदमी का क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। क्या काम करता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, घर में रहते हैं। बात कर भाई, कौन है? बात कर अभी, तू भाई है, सगा भाई है, बात कर ना। कुछ नहीं मालूम, काहे के लिए करते हो ऐसा भाभी? ये तेरा कौन लगता है? ये देख, इधर 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 देख, इधर देवर जो कि रियल में बेटी है ये ना, मगर उसकी रूह को बुलाया है, बातचीत कर रहा हूँ। देवर आप सुनिए, कौन तकलीफ तुम्हें दिए थे जो तुम उनके लड़के तो नहीं जलते आपकी लड़की से? तरक्की से जलते, इनकी लड़की अच्छी है। और इसको आपसे कह के बातचीत करना बेकूफी है। अच्छा। ये जूते हैं, जूते से मार के बात करने वाली है ये रूह, बदरू है, बदरू। आप कुरान शरीफ पढ़ती हैं, उसमें करती हैं ना? तुम्हारे लड़के चारों तरफ घर पे पढ़ के फूकती हैं मेरे ना? आपके घर में डेली फूकते हैं? हाँ, हम जानते हैं, हमें भी कुछ मालूम रहता है, मगर हम कर नहीं सकते, क्या करें, हम मजबूर हैं। अब क्या चाहोगी? हमारे भांजी लगती वो क्या चाहेगी? यहाँ क्या करने आ गई हो? वही से जाकर पूछ लो डायरेक्ट, यहाँ पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो बेकूफो? एक हमारी भांजी है, हमारे भाई बड़े के बहू है, यही दोनों मिल के पूछो ना कौन किया, ये सब बताएगी पूरी डिटेल। कौन? सबाना भी है, तीन है। एक कौन है? तीसरा एक उसकी बहन है, हसीना। हसीना, यही तीनों लोग हैं। हमारे भाई को उस दिन लाए थे ना, जब उनको भी कैंसर जो बता रहे थे, उनको लाए थे अभी अगले जुमेरात को। काम करवाया उसका? हाँ। फायदा हुआ कुछ? हाँ। क्या, कितना परसेंट? मगर अब फायदा हुआ वो लोग फिर करने लगती हैं। कितना परसेंट फायदा हुआ? 50% तो हुआ। आधा काम कराया अभी? आधा काम, जड़ी बूटी खाने के बाद अंदर के भूत मरवाया या नहीं? नहीं, अभी आधा काम हुआ है, 50% फायदा हुआ। उनको बोले थे चलो, तो वो जो सबाना जो है वो उन्हीं की बहू है, वही नहीं आने देती। कोई बात नहीं, हम लोग किसी को जबरदस्ती थोड़ी लाए। नहीं, नहीं, मतलब नहीं। उसके ऊपर अब ये वीडियो देखने के बाद उनके समझ में आएगा ना कि करने वाला कलाकार घर ही का है। बाकी जहन्नमी, जहन्नमी। हाँ। ऐसे तू आज के बाद अब किसी को कर नहीं पाएगी। दे बाल दे इसका भैया, दादेश दे रहा है, इसका कर दो, उसका कर दो, है सब एक ही दिन में सब करवा लेगा। बोल क्या करते हो, कितना पढ़े लिखे हो बेकूफ। चल आज के बाद तू किसी को नहीं कर सकती। दो इसका नींबू, दो सामने देखने के लिए बोलो। इसके अंदर इस लड़की का तो कोई कसूर नहीं है, करने वाले का कसूर है। ये परेशान थी, अब ये ठीक हो गई। वीडियो ना बने, वीडियो ना बने, वीडियो नहीं बनाएंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? आप भी वीडियो ही देख के यहाँ आए होगे ना? नहीं, हमें बताया। कोई बताया ना? कोई बात नहीं, चार बार बार दूसरे 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 के लिए फायदा हुआ ना। कितने को अब तक लेके आए आप? चार चौथे लोग हैं, पांच लोग। फायदा हुआ उन लोगों को कि नहीं? हाँ, तभी तो आए ना, तभी तो आए ना, यही बात है ना। फायदा होगा जब ही कोई दूसरा तीसरे को लेके आएगा। इधर देखा अभी, इधर जहन्नमी, इधर कपड़ा क्या पहनी है तू? सलाद। खाना कौन बनाया आज? लड़के कितने हैं तेरे? तीन। तीन लड़के हैं? लड़कियाँ? तीन। तीन लड़कियाँ भी हैं?
अब तू किसी को सिखा ही नहीं सकती है, अब तू घुट घुट के मरेगी। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, सुन ले मजे से। तुझे पता है ये कहीं जा रहे हैं दिखाने के लिए, पहली बार तुझे पता हो गया था। टुनहिन को ऐसा ही पता चल जाता है। क्या बोलते हैं टुनहिन, बोलते हैं तुम्हारे के यहाँ क्या बोलते हैं कलाकार को? टुनहिन, जहन्नमी, जहन्नमी। तरक्की से आंख फूट रही थी तो आंख फोड़ लेती, कोई तीली डाल लेती आदमी आंख के अंदर, फूट जाती, अंधी हो जाती। मेहनत से तरक्की कर रहा है ना, कि चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, तो मेहनत तू भी करती। इनके बच्चे पढ़ भी रहा है ना, तो आंख खोल इधर। भाग जा जहन्नमी, भाग चिता पे, चल। कुछ पढ़ी लिखी है? हाँ। कितना? हम अरबी पढ़े हैं, मदरसा। अरबी, हिंदी आती है? जी हाँ। ठीक, हिंदी में अपना नाम लिखो यहाँ पर नीचे, यहाँ यहाँ यहाँ। इसके पहले कौन लिखा था ये वाला? मेरी कहाँ है? खत्म हो गए। कब? उनको कई साल हो गए। जो मर गया वो साइन कर सकता है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, वीडियो देखना मालूम होगा। बुलाया आई हैं वो की है। राइटिंग अलग है, जनता भी देख लो, राइटिंग एक है, अलग अलग है, दिखा दो। अलग है, ठीक है, ये लो। कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टुनहिन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देखते यहाँ आए? कहाँ से आप आ रहे हैं? लालगंज से। उल्टी में क्या निकला? जड़ी बूटी खाई है? हाँ। तो उल्टी से निकलना है, दो रास्ते होते हैं उल्टी में, या तो उल्टी से निकलेगा या लैटरिन से निकलेगा। जड़ी बूटी पूरी खा ली, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ये कहना आपत्ति है। निकलना तय है, जो पंडित जी बोलते हैं वो निकलना तय है, लैटरिन के थ्रू निकलेगा, आप देख सकती हो तो देखो, ठीक है। और नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं नेट वाला, तुरंत अता पता लोकेशन, पूरे वीडियो में पूरी जानकारी है। अब वो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरे भाई आपके जिला में गाँव में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कोई तो होगा, उससे आप पूरी जानकारी निकलवा लो। दिन रात हम लोगों को फोन करके परेशान करते हैं, ये गलत है। गलत है या नहीं है जनता बताओ? हमने सब डाल दिया है, कोई भी चीज बाकी नहीं है, लोकेशन टाइम टेबल सब है। तो आप लोग पूरी वीडियो देख के पूरा अता पता निकाल दें, एक दूसरे को खाली नंबर ना दें, उनको बोलो वीडियो देखो, समझ में आए तब आना। और हम किसी भी व्यक्ति को गारंटी भी नहीं देते। नेट पे लिखा है ना 100 में 95 ठीक होते हैं, 5 नहीं होते, मगर मैं गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूं। कितने जो गारंटी मांगते हैं तो उनको मैं फोन ही पे डिलीट कर देता हूं। तू जा भाई, मेरे पास मत आना, मेरी खुद की कोई गारंटी नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तो गारंटी वाले बाबा इस समय नेट पे दुनिया में बहुत से हैं, वहां जाओ, मेरे कोई गारंटी नहीं। जिसके समझ में आए काम कराओ अपनी मर्जी से, टोकन पे भी लिखा हुआ अपनी मर्जी से, आप जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से, मेरा कोई इसमें नहीं है कि नहीं आपको कराना ही है, डरवाने धमकाने का कोई काम है यहाँ नहीं है। आपकी मर्जी हो कराओ, नहीं मर्जी हो घर जाओ। यहाँ चेक कराते हैं और 100 रुपया लगता है, सही बोल रहा हूँ?
कितना लगा आप लोगों का? 100 रुपया। ऑनलाइन चेक कराओगे उसपे लगेगा 1000 रुपया और एक भूत मारने के उसपे लगेंगे 500। यहाँ 300 है उसपे 500 है, इसलिए इतना ज्यादा रखा है कि लोग हाथ पे दही जमाने लगे। जरूरत से ज्यादा तो उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, 900 बचाओ यहाँ आ जाओ। जो बहुत परेशान है, नहीं आ सकते, नहीं चल सकते, उनके लिए ऑनलाइन है। और कितने बेवकूफ कहते हैं हो जाएगा, हो जाता है, इस पे भी आपत्ति है। मैं आज से नहीं, 15 साल हो गया करते करते, पूरी दुनिया का कर रहा हूं, तो हो रहा है तभी तो कर रहा हूं। मैं तो कभी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं हूं। तो होता है, अगर ये कहेंगे हो जाता है हो जाएगा तो उनको पहले मैं बोलता हूं नहीं करूंगा, अब यहां आओ। और यहां पर भी ज्यादा वो परेशान करेंगे तो उनको सदा के लिए डिलीट मार देता हूं। जा भाई मेरे क्या मताना, तू मेरे क्या आके भी तू ठीक नहीं होगा, तेरा पैसा बर्बाद होगा। कभी किसी को हमने डिलीट मार दिया, गलती पे गलती बहुत किया और डिलीट मार दिया, तो वो सदा यहाँ नहीं ठीक होगा। अब हम पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं ठीक होगा। अब वो सोचे कि हम चोरी से जाके करा ले तो पैसा वो अपना फूक के यहाँ चला जाएगा, यानी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी, पैसा उसका फालतू होगा। तो बताना चाह रहे हैं जो व्यक्ति डिलीट हो गया वो कभी यहाँ ना आए। कैसा रहा? और आप लोगों का कोई सुझाव? डीप वाला ठीक है, वीडियो बनना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे। जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।